दोस्तों, कोरोना पेंडेमिक के चलते बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी दुकान बंद करने की कोशिश की। कुछ नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशन ने लिक्विडिटी न होने की वजह से अपना कारोबार बंद किया। वहीं पे शेयर मार्केट में कुछ कंपनियों ने अजीब स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया और कभी पैनिक कभी मौके पे चौके मारते हुए इन्वेस्टर के लिए काफ़ी परेशानी खड़ा कर दी। आपके और मेरे जैसे कॉमन पब्लिक जिनको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के बारे में सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, हमारे लिए इसलिए ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि कैसे पैसे बचाए और बचाए तो कैसे बचाए। इसी लिस्ट में एक और नाम है वेदांता, जो एक काफ़ी स्टेबल कंपनी थी और अभी भी है, लेकिन सबको बहुत सरप्राइजिंग लगा उनका डीलिस्टिंग करने का डिसीजन। सिर्फ 5 महीने के लॉकडाउन में अगर $1 मिलियन वाली कंपनी अपने शेयर्स को डीलिस्ट करने पे उतर आई तो वो कंपनी इतने दिनों से क्या जख मार रही थी, कहाँ गया उनका प्रोविजंस और सेफ्टी फ्यूचर्स, या फिर ये कुछ और कहानी है जिसके जरिए प्रोमोटर्स ने इंश्योर किया है कि आने वाले दिनों में वेदांता एक मल्टीबैगर शेयर्स के तौर पर उभर आएगा। ये जानने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बना रहना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर को एक साथ मिलकर लड़ना है और मार्केट में बड़े प्लेयर के गेम को समझना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊँ आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सके। मैं हूँ निकुंज टेक सुविचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। वेदांता डीलिस्टिंग की रामायण। दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च 23 को और ये देश का सबसे बड़ा मिनरल और माइनिंग फर्म है। वेदांता ने कह दिया कि वो अपने शेयर्स मार्केट से वापस ले लेंगे, यानी डीलिस्ट करेंगे। डीलिस्टिंग का प्रोसेस रेवेन्यू बुक बिल्डिंग प्रोसेस से होने वाला था। डीलिस्टिंग का प्राइस फिक्स किया गया था 87.5 रुपीस पर शेयर और डेट फिक्स हुआ था अक्टूबर 5 से 9। डीलिस्टिंग का मतलब होता है कोई भी कंपनी का पब्लिक से वापस प्राइवेट हो जाना। ये प्रोसेस आईपीओ लाने का एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। डीलिस्टिंग करने के लिए शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स को फिर से कंपनी को प्लेज करना होता है। डीलिस्टिंग का रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेशन 17(1)(a) डीलिस्टिंग प्रोसेस सक्सेसफुल होने के लिए प्रमोटर होल्डिंग को 90% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी शेयर होल्डर्स को एटलीस्ट 90% शेयर्स को कंपनी को वापस प्लेज करना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो ये कि प्रोसेस वॉलंटरी है, यानी शेयर होल्डर्स अगर प्लेज ना करें, अगर उनको लगे कि डीलिस्टिंग से उनको लॉस हो रहा है तो फिर वो प्लेज नहीं करेंगे और तभी डीलिस्टिंग फेल हो जाएगा। और पिछले हफ्ते किए गए डीलिस्टिंग प्रोसीजर के बाद अब सामने आ गया है कि टोटल शेयर्स जो शेयर होल्डर्स ने प्लेज किए हैं कंपनी को वो 90% से कम है, इसीलिए डीलिस्टिंग फेल हुआ है। यहाँ पे डीलिस्टिंग फेल केस हो गया है। क्यों डीलिस्टिंग हुआ फेल, पहले समझ लीजिए डीलिस्टिंग फेल क्यों हुआ। लॉकडाउन अनाउंसमेंट के पहले वीक से वेदांता का शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गया था। मार्च लास्ट वीक में प्राइस 67 से 68 रुपीस पर शेयर के आसपास पहुंच गया था। फिर डीलिस्टिंग अनाउंसमेंट जब हुआ यानी मई 2020, तब तक शेयर प्राइस 89 रुपीस क्रॉस कर चुका था, लेकिन डीलिस्टिंग प्राइस रखा गया था 87.5 पर शेयर। ये एक बड़ा रीज़न था कि पब्लिक ने वेदांता के असेसमेंट और प्राइस पे भरोसा नहीं किया। लोगों को ये लगा कि अगर लॉकडाउन में भी वेदांता का शेयर प्राइस बढ़ रहा है स्टेडिली, इसके अंदर अपवर्ड
ग्रोथ दिखाई दे रहा है, तो फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तो डिमांड तो बढ़नी ही है, तो फिर प्राइस और बढ़ेगी, तो फिर क्यों डिस्काउंट प्राइस में शेयर को वापस बेचा जाए? ये एक बहुत वैलिड सवाल था और इसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए वेदांता, और इसलिए डीलिस्टिंग फेल हुआ। अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे हिट करिएगा। अब सीधा सवाल है कि आगे क्या होगा। वेदांता के पास 5 वर्किंग डेज है 9 अक्टूबर के बाद से, जब तक वो रिपोर्ट करेंगे डीलिस्टिंग का स्टेटस या तो एक्सेप्ट करेंगे या डीलिस्टिंग नहीं होगा या फिर नया ऑफर करेंगे। अगर नया ऑफर भी 87.5 के आसपास रहा तो वो भी फेल हो जाएगा, वो तो तय है। दूसरी तरफ वेदांता के शेयर्स काफ़ी भाग रहे थे, 6 अक्टूबर को 137 रुपीज़ पर ट्रेड करने के बाद शेयर 99.75 की ओर आगे की लोअर सर्किट लगा हुआ था। यहाँ एक चीज़ दिमाग में रखिए, ये लोअर सर्किट कंपनी परफॉर्मेंस के लिए नहीं लगी है, ये लगी है इस न्यूज़ से कि वेदांता का डीलिस्टिंग फेलर हुआ है, और ये कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है, तो फिर मामला क्या है? क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर सेंटीमेंट और फ्लक्चुएट हो जाता है मार्केट में, इसलिए इस बारे में एक्सपर्ट का कुछ और ही कहना है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, MMJC और एसोसिएट्स LLP की तरफ से कहा गया है कि यहाँ कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के चांसेस दिख रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यह है कि जब कुछ इन्वेस्टर को पता होता है कि मेजर इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे डीलिस्टिंग का फेलर, तो फिर वो उसका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे प्राइस ड्रॉप के बाद कम पैसे में शेयर्स को उठा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बाकी इन्वेस्टरों के पास न होने के कारण ये ट्रेडिंग रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है और इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो एक्सपर्ट के हिसाब से डीलिस्टिंग का प्रोसेस एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है जिसमें सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये जानते हुए भी क्यों वेदांता ने डीलिस्टिंग की कोशिश की? एक्सपर्ट का कहना है कि उनको पता था कि डीलिस्टिंग फेल होगा और उस वजह से शेयर प्राइस गिरेंगे, फिर कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स उठा सकेंगे जिनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगा कि कंपनी आगे प्रॉफिट में होने वाली है, और इसी तरह शायद यहाँ इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकता है, और ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। अगर डीलिस्टिंग फेल हुआ तो शायद सेबी इनसाइड ट्रेडिंग का प्रोब भी यहाँ करेगी, और ये जरूर करेगी। ऐसे MCO सेमको रिसर्च KR चौकसी रिसर्च ने सबका माना है कि ये लो प्राइस में हाई वैल्यू स्टॉक लेने का ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में आने वाले 10 साल में काफ़ी ऊपर जाएगी। वेदांता का मेन बिजनेस डोमेन कमोडिटी मार्केट ही है, और कोरोना के लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एक्सेस डिमांड आने ही वाला है। इनके हिसाब से वेदांता के रेवेन्यू में PAT 1.3% और 4.3% CAGR के रेट आगे और बढ़ सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022 तक। एंजल ब्रोकिंग के एडवाइजरी के हिसाब से रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से वेदांता का शेयर प्राइस 320 रुपये पर शेयर जा सकता है। अब देखना यह है कि कंपनी ऐसा कुछ डीलिस्टिंग के लिए अनाउंसमेंट अक्टूबर 15 तक करती है या नहीं। सिटी ग्रुप ने बाय कॉल दिया है और यहाँ पे उन्होंने प्राइस 150 की वजह से 130 रुपये कर दिया है, और कहा है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कंसर्न को एड्रेस न करना ही वजह से डाउनलोड प्रेशर आगे और स्टॉक पे बढ़ जाएगा। CLSA ने वेदांता को आउट परफॉर्म का टैग दिया है और प्राइस टैग 130 से कम करते
हुए 118 रुपीस कर दिया है, मतलब कि कम कर दिया है। उनका कहना है कि कंपनी का डेप्थ इश्यू नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है नियर टर्म्स में, लेकिन एक बात से सब सहमत है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आगे ही जाने वाली है, स्पेशली वेदांता के एक्सपेंशन प्लान्स इन जिंक कैपेसिटी, कॉस्ट रिडक्शन इन एल्यूमिनियम, रैंप अप इन द ऑयल एंड गैस सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों पॉइंट की वजह से हम बोल सकते हैं कि वेदांता आगे के समय में ग्रोथ करेगी और ये आगे के समय में बढ़ोतरी करेगी। ऐसे फ्यूचर्स की वजह से 2022 के बाद कंपनी ऊपर ही जाएगी, तो शायद ये एक ऐसा स्टॉक है जो मल्टीबैगर बन सकता है। इसका पहला इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ताकि आप आगे रह सके और पैनिक से दूर होकर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ सके, क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित तो आप सुरक्षित। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली एनालिसिस का इंतजार करिए। मैं हूँ निकुंज, आपका होस्ट और दोस्त। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।